जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। फांसी चढ़ गई और सीने पर गोली खाई है, हम उन शहीदों को प्रणाम करते हैं जो मिट गए देश के लिए, उन सभी को हम सलाम करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, जीके भाई गुरप्रीत सर यूट्यूब चैनल में आप सभी स्टूडेंट्स का मैं गुरप्रीत दिल से स्वागत करता हूं। आज फिर बच्चों एक नया टॉपिक इंडियन ज्योग्राफी का आपके सामने लेकर आया हूं, और बच्चों का मैं बहुत ही बहुत दिल से धन्यवाद करता हूं जो बच्चे वीडियो को पूरा देखते हैं, कंप्लीट देखते हैं, और बच्चों आपके कमेंट्स आते हैं। पिछली वीडियो में 3-4 क्वेश्चन पूछे थे, क्योंकि बीच में वीडियो के बीच में मैं कम से कम 2-3 क्वेश्चन पूछ लेता हूं, और किसी भी स्टूडेंट्स का आंसर नहीं आया बच्चों, मुझे बहुत बुरा लगा। अगर आप सच में तैयारी कर रहे हो, अगर आप सच में पढ़ रहे हो, तो फिर बच्चों आपको दिक्कत कहाँ आ रही है, प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? हरियाणा जीके में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स करके बता सकते हो, इंडियन ज्योग्राफी में दिक्कत है बच्चों तो आप कमेंट्स करके बता सकते हो, लेकिन आपके लिए जितना हो जाएगा बच्चों उतना पढ़ाने की कोशिश करूँगा। जब तक आप बताओगे नहीं, वीडियो को कंप्लीट नहीं देखोगे, तब तक आंसर कैसे दे पाओगे ये बताइए भाई। तब तक आंसर क्या क्या दे पाओगे जब आपको कंफर्म ही नहीं है इस वीडियो में सर ने क्या पढ़ाया, क्या पूछा गया। मैं कम से कम 2-3 क्वेश्चन पूछता रहता हूं, और अच्छे वाले क्वेश्चन पूछता हूं बच्चों। अगर आप सच में पढ़ाई कर रहे हो, अगर आप अपने माता पिता को चाहते हो भी उनके लिए मैं कुछ करूं या उनके लिए कुछ बनूं, तो बच्चों आपको पढ़ना होगा, वीडियो कंप्लीट देखना होगा, तब जाकर आपका सिलेक्शन होगा। चलो बच्चों ज़्यादा समय नहीं लेते, आज फिर मैं आपको वो टॉपिक करवाने वाला हूँ। सबसे पहले हमारा टॉपिक कौन सा रहा था उसके ऊपर मैं चर्चा कर लेता हूँ, क्योंकि रिवीजन करना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था भाई, तटवर्ती क्षेत्र के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में पढ़ा था? तटवर्ती क्षेत्र के बारे में पढ़ा था। जो तटवर्ती क्षेत्र सीमा बनाते हैं भारत के, कितने राज्य हैं? 9 राज्य बनाते हैं। देखिए जहां पर कौन सा राज्य था, तो गुजरात। यहां पर कौन सा राज्य था? गुजरात के बारे में हमने चर्चा की। आप सभी स्टूडेंट्स ने इसके राइट आंसर दिए, बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर बच्चों कौन सा राज्य था, तो आप बच्चों ने इसका भी राइट आंसर दिया, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था पिछली वीडियो में, आपने उसका आंसर नहीं दिया, तो भी मुझे अच्छा लगा बच्चों। कई बार तो गुस्सा बहुत आता है, लेकिन फिर भी आपसे प्यार है इसलिए मैं आपको प्यार से पढ़ा रहा हूँ बच्चों, कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने की, लेकिन वीडियो को कंप्लीट देखे बच्चों। जो आंसर आपसे पूछे जाते हैं उस आंसर का जवाब चाहिए, क्योंकि मज़ा भी रहता है पढ़ाने का। अगर लाइव हो तो साथ के साथ ही आंसर आ जाएं, फिर तो दिक्कत ही नहीं आती, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आती। उसके बाद यहाँ पर देखिए, एक छोटा सा भारत का राज्य है वो कौन सा है, गोवा। वो कौन सा है? गोवा। गोवा के बाद में हम जाएंगे यहाँ पर, देखिए ये भारत का कौन सा राज्य आता है, तो बच्चों कौन सा आता है, कर्नाटक आता है। ये कौन सा आता है, तो कर्नाटक राज्य आता है बच्चों। कर्नाटक के बाद देखिए यहाँ पर, कर्नाटक के बाद देखिए यहाँ पर कौन सा राज्य है, ये वाला, तो हम कहेंगे केरल। तो कौन सा राज्य है भाई, केरल राज्य है। कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे होंगे जिनको कंफर्म नहीं होगा केरल राज्य कहाँ पर स्थित है, क्लियर है बच्चों जहाँ तक। उसके बाद में बच्चों हमने क्वेश्चन पढ़ा था, भारत के जो 9 राज्य हैं वो तटवर्ती सीमा बनाते हैं, कौन कौन से, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। अगर इस साइड में जाएं, इस दिशा में जाएं, तो कौन सा राज्य आता है, तो तमिलनाडु आता है। कौन सा आता है भाई, तमिलनाडु राज्य आता है। तमिलनाडु राज्य के ऊपर बात करें, तमिलनाडु राज्य के ऊपर बात करें यहाँ पर, ये कौन सा आता है भाई, आंध्र प्रदेश आता है। कौन सा आता है, आंध्र प्रदेश आता है। आंध्र प्रदेश के अगर ऊपर दिशा में जाएं, आंध्र प्रदेश के इस दिशा में जाएं, तो यहाँ पर कौन सा आता है, तो उड़ीसा आता है। कौन सा आता है भाई, उड़ीसा आता है। बच्चों आपके बिल्कुल राइट आंसर आने चाहिए, मज़ा तब आएगा पढ़ाने का, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं भाई। उड़ीसा, तो कौन सा राज्य आता है, उड़ीसा आता है। उड़ीसा के अगर हम उत्तर दिशा में जाएंगे यहाँ पर, यहाँ पर कौन सा आता है, तो पश्चिमी बंगाल आ जाता है। यहाँ पर कौन सा आ जाता है, पश्चिमी बंगाल आता है बच्चों। अब आपको कंफर्म होगा यहाँ पर कौन सी खाड़ी है, कौन सी खाड़ी है, तो हम कहेंगे बंगाल की खाड़ी है। यहाँ पर कौन सी खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी है। बंगाल की खाड़ी के साथ भारत के कितने कितने राज्य की तटवर्ती सीमा लगती है, तो 4 राज्य की लगती है, क्लियर है यहाँ तक।
यहाँ पर कौन सा सागर है? तो हम कहेंगे अरब सागर है। अरब सागर के साथ में भारत के कितने राज्य हैं? तो पांच राज्य तटवर्ती सीमा बनाते हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। सबसे ज़्यादा सीमा बनाता है, लंबी सीमा लगती है बच्चों, गुजरात की लगती है। सबसे कम किसकी लगती है? गोवा की लगती है। ये आपसे बताया गया था, आपको अच्छे से समझाया गया था, यहाँ तक सभी बच्चों का क्लियर है। पीछे वाली वीडियो में और भी अच्छे से समझाया गया, लेकिन पीछे वाली वीडियो जब तक आप देखोगे नहीं तब तक आपका कुछ भी क्लियर नहीं होने वाला। दूसरा, हमने पढ़ा था कर्क रेखा के बारे में, आपको पढ़ाया था बच्चों, इतना प्यार से पढ़ाया, कर्क रेखा के बारे में पढ़ाया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में पढ़ाया। 23.5 डिग्री, 23 डिग्री 30 मिनट हमने उत्तरी अक्षांश के बारे में बात की, कर्क रेखा के बारे में बात की। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो आठ राज्यों से होकर गुजरती है। वो आठ राज्य कौन कौन से होंगे? देखिए यहाँ पर कौन सा राज्य है, अभी दोबारा फिर बता देता हूँ। तो कौन सा राज्य है? गुजरात। कौन सा राज्य है? गुजरात राज्य से होकर गुजरती है। ये राज्य कौन सा है भाई? तो हम कहेंगे मध्य प्रदेश। ये कौन सा राज्य है? तो मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है। कौन सी रेखा? कर्क रेखा गुजरती है। मध्य प्रदेश के बाद कौन सा राज्य आ जाता है भाई? अगर यहाँ पर बात करें, ये कौन सा राज्य आएगा? यहाँ पर भी है बच्चों, तो हम कहेंगे राजस्थान। ये कौन सा आता है? तो राजस्थान भी आता है। राजस्थान से भी होकर गुजरती है। कौन सी कर्क रेखा? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद जाने के बाद ये कौन सा राज्य आ जाता है यहाँ पर? तो हम कहेंगे छत्तीसगढ़ आ जाता है। कौन सा आ जाता है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में होकर गुजरती है। उसके बाद अगर बात करें छत्तीसगढ़ के बाद, आप सभी स्टूडेंट्स ने इसका राइट आंसर भी दिया था भाई, छत्तीसगढ़ के बाद कौन सा आ जाता है यहाँ पर? यहाँ पर कौन सा आ जाता है? झारखंड। यहाँ पर कौन सा राज्य आ जाता है? झारखंड। झारखंड से भी मैंने एक क्वेश्चन पूछा था पिछली वीडियो में, लेकिन आप सभी स्टूडेंट्स का आंसर नहीं आया। पीछे वाली वीडियो देख लेना बच्चों, उसमें आपने क्या करना है, आंसर देना है। क्लियर है? छत्तीसगढ़ के साथ लगता कौन सा? झारखंड। झारखंड के बाद कौन सा आ जाता है? ये वाला कौन सा आ जाता है भाई? पश्चिमी बंगाल आ जाता है। कौन सा आ जाता है? पश्चिमी बंगाल आ जाता है। पश्चिमी बंगाल। उसके बाद यहाँ से होकर गुजरती है कौन सी रेखा? तो हम कहेंगे कर्क रेखा। उसके बाद आप कहोगे सर बात नहीं बनी, बात कैसे बनेगी भाई? पश्चिम बंगाल के बाद कौन सा आता है? त्रिपुरा। ये कौन सा राज्य है भारत का? त्रिपुरा राज्य है। कौन सा? त्रिपुरा राज्य है। लेकिन त्रिपुरा में बात नहीं बनेगी, त्रिपुरा में बात नहीं बनेगी, तो फिर यहाँ पर कौन सा राज्य आ जाता है? तो मिजोरम आ जाता है। कौन सा आ जाता है भाई? मिजोरम आ जाता है। यहाँ से होकर गुजरती है कौन सी इस मिजोरम के ऊपर? अगर इसकी बात करें तो म्यांमार आ जाता है। म्यांमार को भी आज हम पढ़ेंगे, लेकिन ये रेखा कौन सी है? कर्क रेखा है। देखिए जहाँ से होकर गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा से होकर मिजोरम हो जाती है। क्लियर है ये चीज़ भाई? आपको पिछली वीडियो में पढ़ाया था कर्क रेखा, आपकी बिल्कुल क्लियर। कर्क रेखा को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी कहते हैं। ये भारत के कितने आठ राज्यों से होकर गुजरती है। क्लियर है ये चीज़ हमने पढ़ ली थी। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा था? मानक देशांतर के बारे में पढ़ाया था आपको। किसके बारे में पढ़ाया था? मानक देशांतर के बारे में पढ़ाया था। मानक देशांतर होता क्या है? इसमें हम क्या करते हैं? इसमें बच्चों समय का निर्धारण करते हैं। और कर्क रेखा के पास में जो सबसे नज़दीक शहर है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, और कौन सा राज्य नज़दीक में वो भी बताया था, और कौन सा दूर है राज्य, ये सारे पिछली वीडियो में हमने चर्चा कर ली थी। मानक देशांतर, भारत में मानक देशांतर कितने हैं? तो हम कहेंगे एक है। वो कितनी डिग्री से होकर गुजरता है? तो हम कहेंगे 82 डिग्री से 30 मिनट उत्तरी अक्षांश पर, या पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर कहेंगे बच्चों, उत्तरी अक्षांश नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे? पूर्वी देशांतर कहेंगे। आज कोशिश करूंगा आपको बच्चों, ये पूर्वी देशांतर उत्तरी अक्षांश के बारे में भी चर्चा करेंगे। ऐसे ऐसे बताने वाला हूँ, आप कहोगे गुरुजी मज़ा आ गया पढ़ने का, कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी आपको बताने वाला हूँ। देखिए 82.5 डिग्री कह सकते हैं, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। देखिए कहाँ पर स्थित है, कितने राज्यों से होकर गुजरता है? तो हम कहेंगे भारत के पांच राज्यों से होकर गुजरता है। कितने? भारत के पांच राज्यों से होकर गुजरता है। ये राज्य कौन सा है भारत का भाई?
तो हम कहेंगे उत्तर प्रदेश। ये कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। कौन सा? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद में बात करें तो ये कौन सा है? अभी आपको बताया था बच्चों उत्तर प्रदेश के नीचे कौन सा आता है, तो मध्य प्रदेश आता है। कौन सा आता है? मध्य प्रदेश। आपको बताया था एमपी, उत्तर प्रदेश ऊपर में है, मध्य प्रदेश उसके नीचे में। आपको बताया था उसके बाद बात करें बच्चों मध्य प्रदेश के नीचे ये कौन सा राज्य है? आपको पढ़ाया था छत्तीसगढ़ है। कौन सा है भाई? छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ आपको बताया था, इतना अच्छे से समझा रहा हूँ बच्चों। उसके बाद छत्तीसगढ़ के बाद देखिए, छत्तीसगढ़ के बाद देखिए यहाँ पर आए ये कौन सा राज्य आता है? ये कौन सा राज्य आता है? ये भी आपने पढ़ा था, लेकिन इससे पहले ये राज्य भी आएगा, तो ये राज्य कौन सा होगा? उड़ीसा होगा, जहाँ का राज्यपाल वर्तमान में गणेशी लाल है। उसके बाद में चर्चा करें ये कौन सा राज्य है भारत का, तो आंध्र प्रदेश है। ये कौन सा राज्य है भारत का? आंध्र प्रदेश है बच्चों। तो यहाँ तक हम कह सकते हैं 82.5 डिग्री। देखिए 82.5 डिग्री अगर मैं बात करूँ ऐसे, यहाँ से मान लीजिए ये ब्लू पेन ले लेते हैं भाई। देखिए ये कौन सी 82.5 डिग्री पूर्वी दिशांतर है? उत्तर प्रदेश में जाएगा, मध्य प्रदेश में जाएगा, छत्तीसगढ़ में जाएगा, उड़ीसा में जाएगा, तो आंध्र प्रदेश में जाएगा। ये भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है? तो 5 राज्यों से होकर गुजरता है बच्चों। यहाँ पर उत्तर प्रदेश में तो नैनी स्थान है, एक क्या है नैनी, नैनी के पास में, या हम कह सकते हैं मिर्ज़ापुर, मिर्ज़ापुर गांव है, किसका गांव है? उत्तर प्रदेश का। या हम कह सकते हैं प्रयागराज, प्रयागराज कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसका नाम पहले क्या होता था? इलाहाबाद होता था। पहले नाम क्या होता था? इलाहाबाद होता था बच्चों। जहाँ पर कुंभ का मेला लगता है, कुंभ के मेले की शुरुआत हर्षवर्धन के समय में हुई थी। लेकिन बच्चों जब तक आपका कमेंट्स नहीं आते ना, मज़ा नहीं आता मुझे पढ़ाने का। यहाँ पर देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश में यहाँ पर है मछलीपट्टनम। क्या है भाई? मछलीपट्टनम बंदरगाह, मछलीपट्टनम बंदरगाह से होकर गुजरता है, तो हम कहेंगे क्या गुजरता है भाई? बंदरगाह, बंदरगाह से होकर गुजरता है भारत का। मानक दिशांतर 82.5 डिग्री पूर्वी दिशांतर बच्चों। इससे क्या कहते हैं? इससे हम देशांतर का जो मानक दिशांतर होता है बच्चों, इससे हम समय का निर्धारण करते हैं। पूर्व दिशा में जाएंगे अगर मानक को पूर्वी दिशांतर में होगा तो पूर्वी दिशांतर में समय बढ़ेगा, पश्चिम दिशा में हमेशा समय घटेगा बच्चों। ये हमने बताया था, और आपको ये भी बताया था, ये आपने आंसर देना था, भारत की जलवायु का निर्धारण भारत के कौन से शहर या किस राज्य से किया जाता है बच्चों। ये आपने कमेंट्स करके नहीं बताया तो मज़ा नहीं आएगा, तो आज भी बता देना। दूसरा क्वेश्चन था आपसे, भारत में सड़कों के आधार पर मध्यवर्ती शहर कौन सा है या मध्यवर्ती राज्य कौन सा है? ये दो आंसर आपने अभी नहीं बताए तो आपने बता देने हैं बच्चों। उसके बाद पढ़ लेते हैं बिंदु, बिंदु पढ़ते हैं बच्चों, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, बिंदु पढ़ते हैं। बिंदु से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अब दिखाई तो दे रहा होगा बच्चों, चलो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं दिखाई दिया तो लिखा हुआ दिखाई आपको देगा। एक एक छोटा छोटा पॉइंट मैं आपके लिए बना रहा हूँ, क्यों बना रहा हूँ? ताकि बच्चों को क्वेश्चन याद रहे। देखिए क्या पूछ रहा हूँ आपसे, भारत के बिंदु पूछ रहा हूँ। ये छोटे छोटे पार्ट में इसलिए बांट रखा है बच्चों मैंने, बच्चों का बिल्कुल क्लियर हो जाए। देखिए भारत के बिंदु कितने? 4 बिंदु कहेंगे। एक तो होगा यहाँ पर उत्तर दिशा में, एक तो होगा आपका उत्तर दिशा में, दूसरा कौन सा होगा? दक्षिण दिशा में, एक दक्षिण दिशा में और होगा, उसके बारे में भी अभी चर्चा करेंगे। एक कहाँ पर होगा? पूर्व दिशा में होगा। एक कहाँ पर होगा? पश्चिम दिशा में होगा। इसके बारे में चर्चा करनी है बच्चों, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए भारत में बात करें तो ये कौन सा राज्य है? गुजरात है बच्चों, तो गौर माता, क्या कहेंगे हम? गौर माता। गौर माता जो बिंदु है कहाँ पर स्थित है, तो हम कहेंगे भारत के राज्य है गुजरात में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? गुजरात में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए कितनी डिग्री या कितने मिनट पर स्थित है, तो हम कहेंगे 68.07 मिनट पूर्वी दिशांतर में स्थित है। क्या कहेंगे? पूर्वी दिशांतर में स्थित है। अब आप कहोगे गुरुजी हमें क्यों पागल बना रहे हो, ये दिशा तो पश्चिम है,
पूर्वी कैसे हो जाएगा, आज इसके बारे में भी बताने वाला हूँ, ये पूर्वी दिशांतर कैसे होगा। लेकिन वीडियो अंत तक देखोगे तब जाकर आपके क्लियर होगा। क्लियर है ये भाई? गौर माता भारत के पश्चिम दिशा में पूर्वी दिशांतर 68 डिग्री 7 मिनट पर गुजरात राज्य में स्थित है। अगर बात करें भारत के उत्तरी बिंदु की बात करूं तो बच्चों कौन सा होगा, तो इंदिरा कौल होगा। उत्तर दिशा में कौन सा होगा, इंदिरा कौल होगा, याद कर लेना। उत्तर दिशा में ऐसे हम कान पे फोन लगाते हैं ना, मोबाइल लगाते हैं, तो उत्तर में क्या करते हो आप, कॉल लगाते हो, याद कर लेना। लेकिन इंदिरा पॉइंट में, इंदिरा कॉल में अंतर है बच्चों, इसको आपने कंफर्म करना। ये कहाँ पर स्थित है, कितनी डिग्री पर स्थित है, तो हम कहेंगे 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। अब आप कहोगे ये तो उत्तरी अक्षांश कैसे होगा, इसके बारे में भी आज चर्चा करेंगे। उत्तरी अक्षांश के बारे में भी चर्चा करेंगे, ये उत्तरी अक्षांश कैसे हुआ, दक्षिणी अक्षांश कैसे, दक्षिणी सारी एक एक पॉइंट बड़ी बारीकी से इंडियन ज्योग्राफी को बिल्कुल सरल भाषा में आपको समझाने वाला हूँ। अगर समझ आए तो वीडियो को शेयर कर देना, अगर वीडियो कंप्लीट नहीं देखोगे तब जाकर बच्चों आपका क्लियर नहीं होगा। क्लियर है? अगर और भी डीप में जाए तो किस क्षेत्र में स्थित है, यहाँ पर दो केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, एक तो जम्मू एंड कश्मीर, दूसरा कौन सा बनाया गया था, तो लद्दाख। दूसरा कौन सा बनाया गया था, लद्दाख। लद्दाख का जो हिस्सा पाक अधिकृत, आपने पढ़ा होगा पाक अधिकृत जो क्षेत्र है कहाँ पर स्थित है, लद्दाख में स्थित है। यहाँ पर क्या स्थित है भाई, इंदिरा कौल स्थित है, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। अब आप कहोगे सर जी हमें पूर्वी बिंदु भी बताया जाए, लेकिन पूर्वी बिंदु से पहले बच्चों यहाँ पर कितने डिग्री आता है, तो हम कहेंगे 97 डिग्री 25 मिनट पर क्या आता है भाई, पूर्वी दिशांतर आपता है। आप कहोगे पूर्वी दिशांतर कैसे हुआ, ये मैं आपको एक एक पॉइंट बताने वाला हूँ कैसे ये पूर्वी दिशांतर बताते हैं आपको। अफ्रीका महाद्वीप, एशिया महाद्वीप और ये सारे मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, दक्षिणी अफ्रीका के बारे में, उत्तरी अफ्रीका के बारे में। लेकिन वीडियो में बने रहना, अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कर देना। ये कौन सा होगा भाई, भारत का पूर्वी बिंदु होगा। ये भारत का कौन सा बिंदु होगा, तो हम कहेंगे पूर्वी बिंदु होगा। ये भारत का कौन सा बिंदु होगा, तो उत्तरी बिंदु होगा। ये भारत का कौन सा बिंदु होगा, पश्चिमी बिंदु होगा। यहाँ पर कंफ्यूजन रहेगी बच्चों को, यहाँ पर एक तो सथल विरुद्ध भारत का बिंदु पूछा जाएगा, एक दक्षिणतम बिंदु पूछा जाएगा। दोनों आपको अच्छे से समझाने वाला हूँ, चिंता मत करना। पूर्वी बिंदु कौन सा है भी, किवितु, हाँ क्या नाम था इसका, किवितु आपने नाम सुना होगा, पढ़ा होगा। ये कौन सा पूर्वी बिंदु है बेचो, बालुंगा गाम, ठीक है। कौन सा गाम आता है, बालुंगा गाम में स्थित है बच्चों। अगर आपसे पूछा जाए किस राज्य में स्थित है, तो यहाँ पर राज्य कौन सा आएगा, अरुणाचल प्रदेश आएगा। कौन सा आता है भारत में, पूर्व दिशा में कौन सा आता है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है बच्चों। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ सभी स्टूडेंट्स का क्लियर है, भारत का जो पूर्वी बिंदु है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी दिशांतर में किवितु है, बालुगा गाम अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। अब बात करते हैं जहाँ तक, देखिए यहाँ तक क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा उसके बारे में चर्चा करता हूँ। ये बिल्कुल क्लियर है, फिर मैं मैप को ऊपर लेकर जाता हूँ बच्चों, ऊपर लेकर आपको थोड़ा सा और डीपली बताना चाहता हूँ क्या पूछा जा सकता है, ये पूछा जा सकता है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। ये देखिए यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ये भारत को थोड़ा सा ऊपर उठा दिया। देखिए मैंने आपको बताया बच्चों, इधर पश्चिम दिशा में भी बता दिया, उत्तर दिशा में भी बता दिया, पूर्व दिशा में भी बता दिया। अब दक्षिण दिशा में देखिए यहाँ पर क्या है, उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। इसको क्या पूछा जाएगा आपसे पूछा जाएगा भारत का, यहाँ से क्वेश्चन दो तरह के बनेंगे, भारत का सथल विरुद्ध बिंदु पूछा जाएगा आपसे। हाँ, सथल विरुद्ध बिंदु पूछा जाएगा आपसे कौन सा है, तो उस समय राइट आंसर क्या करने वाले हो बच्चों, उसको मैं बताने वाला हूँ। तो कन्याकुमारी कहोगे आप, क्या कहोगे, कन्याकुमारी, क्या कहोगे आप, कन्याकुमारी।
तो कन्याकुमारी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। कन्याकुमारी कहाँ पर स्थित है? तो हम कहेंगे तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ये कौन सा राज्य आता है इधर भाई? तमिलनाडु आता है। कौन सा आता है? तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य में स्थित है। क्लियर है भाई? कन्याकुमारी कहाँ पर? तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इसको बच्चों कैपको मोरिनी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैपको मोरिनी भी कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, अच्छे क्वेश्चन बनने वाले अभी। कैपको मोरिन भी कहा जाता है इस बिंदु को। क्लियर है भाई? भारत का सतल वृद्ध बिंदु कौन सा आएगा? कन्याकुमारी कहाँ पर? तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए बच्चों दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, अगर आपसे पूछा जाए दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो आपका क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। दक्षिणतम बिंदु पूछा जाए या आपसे पूछा जाए अखंड भारत के बाद की बात करें, अखंड भारत के बाद करें, तो कौन सा आता है? इंदिरा पॉइंट आता है। आप कहोगे इंदिरा पॉइंट कहाँ पर आता है बच्चों? देखिए जहाँ पर ये आपको थोड़ा सा मैप ऊपर हो गया, यहाँ पर कौन से है? छोटे छोटे द्वीप समूह है भाई। क्या है? द्वीप समूह है। तो अंडमान निकोबार का आपने नाम सुना होगा, अंडमान निकोबार का आपने नाम सुना होगा, यहाँ पर स्थित है बच्चों। अगर आपसे हाँ क्वेश्चन यहाँ से और भी पूछा जा सकता है, जो कन्याकुमारी आपका उत्तरी अक्षांश कैसे होगा? अब देखिए आप कहोगे सर जी ये उत्तरी अक्षांश कैसे हुआ? ठीक है, आपने बता दिया भारत का सतल वृद्ध बिंदु कौन सा है, कन्याकुमारी है। ये कितने डिग्री पर स्थित है? तो हम कहेंगे 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। कहाँ पर? उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। आप कहोगे गुरुजी ये क्या बता रहे हो, ये तो दक्षिण दिशा में है, उत्तर दिशा में कैसे कह रहे हो आप, उत्तरी अक्षांश कैसे कह रहे हो? मेरे साथ बने रहना, मैं आपको बताने वाला हूँ ये उत्तरी अक्षांश कैसे आया। जहाँ पर उत्तर दिशा में पूर्वी, पश्चिम दिशा में पूर्वी दिशांतर कैसे आया, एक एक पॉइंट क्लियर करने वाला हूँ बच्चों। अगर वीडियो कंप्लीट देखा उसके बाद में कमेंट्स करना, वीडियो को शेयर भी करना, फिर आपको बताने वाला हूँ। देखिए अंडमान निकोबार है, इसका द्वीप है भी, जहाँ पर छोटा सा आपने नाम सुना होगा ग्रेट निकोबार, अंडमान निकोबार का एक छोटा सा द्वीप है, जहाँ पर कौन सा है? ग्रेट निकोबार। ये भी इसको भी पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, आपका बेस मजबूत कर रहे हैं। ग्रेट निकोबार यहाँ पर स्थित है बच्चों, यहाँ पर स्थित है। तो हम कहेंगे क्या स्थित है यहाँ पर? इंदिरा पॉइंट स्थित है। यहाँ पर स्थित क्या है? इंदिरा पॉइंट। क्या स्थित है भाई? इंदिरा पॉइंट स्थित है। आप कहोगे गुरुजी इंदिरा पॉइंट कितने डिग्री पर स्थित है? तो 6 डिग्री 45 मिनट पर स्थित है। तो आप कहोगे इसको क्या कहोगे? इसको भी बच्चों उत्तरी अक्षांश ही कहेंगे। उत्तरी अक्षांश क्यों कहा जाता है उसके बारे में भी आप चर्चा करेंगे, बताएंगे आपको क्यों कहा जाता है, क्या कारण रहा। ठीक है भाई, अगर पूछा जाए दक्षिणतम बिंदु या अखंड भारत का भारत के बाद बिंदु पूछा जाए, तो इंदिरा पॉइंट दक्षिण दिशा में, लेकिन 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश आएगा। अगर पूछा जाए भारत का सतल वृद्ध बिंदु कौन सा है जो सतल के साथ लगता है, तो कन्याकुमारी तमिलनाडु में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश में, जिसको कैपको मोरिन भी कहा जाता है। क्लियर है बच्चों? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसे पार्सन पॉइंट भी कहा जाता है। इंदिरा पॉइंट को क्या कहा जाता है? पार्सन पॉइंट भी कहा जाता है बच्चों, ये भी नोट कर लेना, आपने नाम ही नहीं सुने होंगे मेरे हिसाब से। तो पार्सन पॉइंट किसे कहा जाता है? इंदिरा पॉइंट को ही कहा जाता है बच्चों। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर हो जहाँ तक उम्मीद करता हूँ, जहाँ तक सभी स्टूडेंट्स का बिल्कुल क्लियर होगा, लेकिन आज थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है बच्चों, लेकिन मैं आपका बिल्कुल क्लियर करने वाला हूँ अगर आप अच्छे से पढ़ते हो। अब बात करते हैं भारत की लोकेशन, भारत की स्थिति क्या है उसके ऊपर चर्चा करते हैं बच्चों। आप कहोगे सर जी हमें नहीं पता भारत की अब स्थिति क्या है, भारत की लोकेशन क्या है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है, आज उसको पढ़ने वाले हैं भाई। भारत किस गोलार्ध में स्थित है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, लिख लेना अच्छे से, आपको बताने वाला हूँ। आप कहोगे मज़ा आ गया पढ़ने का, पढ़े तो इस तरह ही पढ़े भाई, वरना पढ़ना ही छोड़ दे। तो देखिए भारत किस गोलार्ध में स्थित है, आपसे पूछा जाए भारत किस गोलार्ध को भी आपको पढ़ाने वाला हूँ बच्चों, गोलार्ध को भी हम पढ़ेंगे, किस गोलार्ध में
स्थित है। एक एक पॉइंट आपका क्लियर करने वाला हूँ, लेकिन आप समझ नहीं रहे अभी भावना को, वीडियो शेयर नहीं कर रहे, अच्छे से नहीं पढ़ रहे, आप कमेंट्स करके आंसर नहीं दे रहे, तो मज़ा नहीं आ रहा। क्लियर है भाई? चलो आज दो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। भारत के भूगोल के पिता किसे कहा जाता है? आंसर देना है बच्चों कमेंट्स करके। अगर आपसे पूछा जाए विश्व, दोनों आंसर देने हैं विश्व, ये दोनों आंसर देने हैं बच्चों। विश्व मानचित्र का निर्माता किसे कहा जाता है? दोनों क्वेश्चन अच्छे वाले हैं, एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं भाई। मानचित्र का निर्माता किसे कहा जाता है? दोनों क्वेश्चन अच्छे हैं बच्चों, देखते हैं किसका आपका आंसर आता है। कमेंट्स करके बताना है भारत के भूगोल का पिता किसे कहा जाता है, आंसर देना है। विश्व मानचित्र का निर्माता किसे कहा जाता है, आंसर देखते हैं। कौन कौन से बच्चे पढ़ रहे हैं, कौन से नहीं पढ़ रहे। चलो बच्चों फिर आज मैं आपको पृथ्वी बना लेते हैं, गोलार्ध बनाते हैं। सबसे पहले सिंपल भाषा में पढ़ाने वाला हूँ बच्चों। देखिए यहाँ पर क्या बना लिया हमने, गोलार्ध बना लिया। क्या बना लिया भाई? गोलार्ध बना लिया। गोलार्ध के बीचों बीच में ये मैंने पृथ्वी बना ली। गोलार्ध के बीचों बीच में कौन सी रेखा? या आप कहोगे सर जी ये तो 0 डिग्री होता है, लेकिन 0 डिग्री में भी कौन सी रेखा? भूमध्य रेखा। कौन सी भाई? भूमध्य रेखा गुजरती है। कौन सी रेखा गुजरती है? तो भूमध्य रेखा गुजरती है बच्चों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो भूमध्य रेखा है वो पृथ्वी को या गोलार्ध को कितने भागों में बांटती है? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? दो भागों में बांटती है बच्चों। यहाँ तक क्लियर है ना सभी स्टूडेंट्स का? बने रहे तो आपको बिल्कुल क्लियर होगा। देखिए दो भागों में बांटती है, एक भाग तो ये वाला रहा, एक भाग दूसरा भाग ये रहा। क्लियर है ये दोनों? भूमध्य रेखा भारत को कितने भागों में? दो भागों में बांटती है। इसको क्या कहा जाता है बच्चों? भूमध्य रेखा को इक्वेटर लाइन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इक्वेटर लाइन भी कहा जाता है, या विषुवत रेखा भी कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और क्या कहा जाता है इसको? विषुवत रेखा भी कहा जाता है बच्चों। ये दोनों एक ही बात है, चाहे आपसे भूमध्य रेखा पूछा जाए, चाहे आपसे विषुवत रेखा पूछा जाए, चाहे आपसे इक्वेटर लाइन पूछा जाए, एक ही बात है, भूमध्य रेखा है। तो बच्चों देखिए ये कौन सा गोलार्ध हो जाएगा? उत्तर दिशा में हम कहेंगे उत्तरी गोलार्ध हो जाएगा। उत्तर दिशा में कौन सा गोलार्ध हो जाएगा? उत्तरी गोलार्ध हो जाएगा। फिर हम कहेंगे दक्षिण दिशा में कौन सा? तो दक्षिणी गोलार्ध हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है ना? दक्षिणी दिशा में कौन सा गोलार्ध हो जाएगा? तो दक्षिणी गोलार्ध हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, दो भागों में बांट दिया। सिंपल सी बात की